नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। जय श्री राम। आज हम आपको भारतीय प्रजा शक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पंकज रावत जी से मुलाकात करा रहे हैं, जो कि आज मृतक प्रवासी कामगार एवं बच्चों को जो अवस्थाओं के भेंट चढ़े हैं उसको लेकर उपवास पर हैं और श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आइए सीधा जानते हैं पंकज जी से कि यह कदम उन्होंने क्यों उठाया और उनका आगे का क्या प्लान है। पंकज जी बताएंगे। जी जय श्री राम। जिस तरह से जो लॉकडाउन की स्थिति पूरे भारत में रही है, इसमें सबसे ज्यादा जो परेशान रहा है वो हमारा प्रवासी कामगार यानी मजदूर और उनका परिवार। जैसा कि सरकार ने घोषणा की थी कि लॉकडाउन की स्थिति में कोई भी मकान मालिक अपने किराएदारों से किराया नहीं मांगेगा और जिन फैक्ट्री में जो मजदूर कार्य कर रहे हैं उनको वेतन यथावत प्राप्त होगा, लेकिन इन दोनों आदेशों का पालन ना करते हुए इनसे किराया मांगा गया और साथ ही इनकी सैलरी भी नहीं दी गई, जिससे ये अपने घरों की ओर पलायन किए। इस पलायन की स्थिति में ना तो ये बसों की व्यवस्था की गई इनके लिए और ना ही इनके खाने पीने की व्यवस्था सरकारों ने समय पूर्व की। ऐसी स्थिति में कई अप्रवासी जो कामगार हैं असमय काल के गाल में समा गए और साथ ही कई ऐसे नवजात शिशु रहे जिन्होंने सड़क पे जन्म दिया और सड़क पे ही वो मर गए। तो इनकी आत्म शांति के लिए मैंने आज 19 मई 2020 को एक दिन का उपवास रखा है और मैंने एक दिन के जितने भी पुण्य हैं सब मृतक आत्माओं की शांति के लिए अर्पित किए हैं। अब आपकी आगे की क्या मांग है और क्या आप करेंगे? आगे की जो रणनीति है, अब मैं आज ये प्रण करता हूं कि मेरा जो जीवन है मैं गरीबों और जो असहाय लोग हैं उनके जीवन को अच्छा बनाने के लिए समर्पित कर रहा हूं। अब मेरा पहला काम यही है कि मैं जिस क्षेत्र में रहता हूं बुंदेलखंड में, सबसे पहले मैं बुंदेलखंड के किसानों को, मजदूरों को और जो बच्चे हैं जिनका पालनहार कोई नहीं है उनके लिए मैं काम करूंगा और युवाओं को, खासकर युवाओं और किसानों को रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा देशों में मजदूरी करने ना जाएं, अपने क्षेत्र में ही रोजगार उपलब्ध हो। आप यह सब जन आंदोलन के तत्वाधान में आगामी कितने माह बात करेंगे? हम लोग ये जो है जो जून के प्रथम सप्ताह से ये हम लोग आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं और इसमें बुंदेलखंड के सभी किसानों को और युवाओं को हम लोग जोड़ रहे हैं और उनको ये प्रेरित कर रहे हैं कि हमें अपने राज्य को, बुंदेलखंड राज्य को सुदृढ़ बनाना है तो आपको और युवाओं को निश्चित रूप से मजबूती प्रदान करनी होगी। धन्यवाद।